जंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई के सिटी न्यूज़। मैं योगेश कुमार, आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइक की सिटी न्यूज। आगरा आईजी रेंज ने आने वाले दो हत्यारों को होली व सवे बारात शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक कराया जाएगा। आगरा अपचरित नहीं है, सभी के साथ मिलकर काम करेंगे। अगर जनपद से अलग होकर कुछ सरप्राइज करना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। रेंज के अधिकारियों को सरप्राइज मिलती रहेगी। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा। पुलिस से अटकने वालों से सख्ती की जाएगी, उनको किसी भी तरह छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस से अटकने वालों की पुश्तें याद रखेंगी। आगरा रेंज के माफियों, सट्टेबाजों, खनन माफियों, सरकार के निर्देशानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न में 100% प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बाइक की सिटी न्यूज से संवाददाता जीशान हेमत की रिपोर्ट, आगरा से। मैं यहाँ के जो मौजूदा पुलिस कर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनसे बात करूँगा। और जैसा हम लोग का एक सिस्टम होता है अभी सूचना संकलन का, सर्विलेंस का, लोगों से, जनता से सूचना इकट्ठी करने का, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सूचना देना चाहते हैं बशर्ते आप पर विश्वास करते हों। कोशिश हम लोग यही करेंगे कि पुलिस जन विश्वास लोगों का अर्जित करें और ऐसी सूचना यदि आती है और सही पाई जाती है तो इस नेक्सस को तोड़ने की भी पूरी कोशिश। सर, वोट पेट्रोलिंग के डायरेक्शन दिए गए उसके एग्जीक्यूशन कहीं मदद नहीं आता, क्या? जैसा मैंने बताया कि शासन की जो भी प्राथमिकताएं हैं वो हमारी प्राथमिकताएं हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। और मुझे ये बताया गया कि यहाँ की टीम बहुत अच्छी है, बबलू साहब ने काफ़ी मेहनत की और टीम भी अच्छी थी। हो सकता है वो 10-11 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, एक आध चीज़ थोड़ी सी निगलेक्ट भी हुई हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और एज ए टीम हम सब काम करेंगे और पूरे रेंज में भी यही कोशिश रहेगी कि जो अच्छी आदतें हैं, गुड प्रैक्टिसेस हैं, वो पूरे रेंज में लागू। सर, खनन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और 4-5 महीने पहले पुलिसकर्मी भी इस एरिया में, तो क्या प्राथमिकता रही थी? सहायता काफ़ी रही है पुलिस। जैसा मैंने पहले भी बताया कि प्रशासन की प्राथमिकताएँ हैं, हमारी निश्चित रूप से प्राथमिकता है। अब थोड़ा समय मुझे लगेगा कि माफियाओं की सूची यहाँ देखेंगे, कौन से खनन माफिया चिन्हित किए गए हैं और किस किस तरह के माफिया यहाँ पर नामित हुए हैं, उनकी सूची निश्चित रूप से पेशी कार्यालय में होगी। और उस पर क्या कार्रवाई सभी जो जनपदों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा की जा रही है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों द्वारा, उसकी भी समीक्षा करेंगे। और कोई भी इलीगल एक्टिविटी कोई कर रहा है तो उसको जायज़ तो ठहराया नहीं जाएगा। उस पर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्या एविडेंसेस हमारे पास हैं, क्या और एविडेंस कलेक्ट करने हैं जिससे पूरा सबूत के खिलाफ लेकर चलें, प्रभावी कार्रवाई करें और उससे भी प्रभावी पैरवी करेंगे कि कोर्ट में उनको राहत न मिले। जी, ठीक।